हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन स्टडी अरुण यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, क्लास टेंथ के पॉलिनोमियल चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट 12 है। पार्ट 11 में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन था जो वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम पार्ट 12 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे डिस्कस करेंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि उन दोनों जीरोज के सम दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो इन दोनों सम और प्रोडक्ट की हेल्प से आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन के जो पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट हैं, तो इन हर पार्ट में क्या है, देखिए आपके पास दो नंबर हैं। जैसे इस पार्ट में 1/4 और -1 है, तो जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो 1/4 है वो सम है जीरोज का और जो -1 है वो प्रोडक्ट है जीरोज का। तो इन दोनों की हेल्प से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, स्टूडेंट्स एक नोट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि वी नो दैट इफ़ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, कि अगर अल्फा बीटा दो रियल नंबर हैं, बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है और इसके मैंने जीरोज माने अल्फा और बीटा, तो हम ये जानते हैं कि जो वो पॉलिनोमियल होगा उसके जो दो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। अगर अल्फा और बीटा उस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं, तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा, और जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस बीटा। ये ऑलरेडी हम आपको जब जीरोज और कॉफिशियंट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे थे वो हम बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे 2 और जो 3 होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं 6 के, तो जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 6। उसी टाइप से कि जब अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे तो क्या जीरोज होंगे, तो देन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। यानी कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के अगर दो जीरोज आपको पता हो तो ये फॉर्मूला होता है उस पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास रिलेशन है। अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन है उस पर आते हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या दिया हुआ था हमें, दिया हुआ था कि ये जो 1/4 है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है हमने अल्फा और बीटा उसके क्या मान लिए, जीरोज मान लिए, तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है। देखिए ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये जो पहला वाला नंबर है 1/4 वो सम है और जो -1 है वो क्या है, प्रोडक्ट है उन जीरोज का। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 1/4, और जो आपका अल्फा इंटू बीटा है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -1। तो ये दोनों नंबर्स इस बात को इंडिकेट करते हैं। अब हमें पता है कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो वो पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, तो वो पॉलिनोमियल होता है, आप देखिए यहां पर यह है कि वी नो दैट सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then respective polynomial will be, तो जो हमारा जो polynomial होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि x square minus alpha plus beta into x, और plus कितना हो जाएगा, alpha beta। तो बस कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पर, कि alpha plus beta की value भी हमारे पास है और alpha into beta की value भी हमारे पास है, ये दोनों values आपको यहाँ और यहाँ रख देनी है। तो रखिए, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। तो यही हमारा वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था।
आप ये भी आंसर लिख सकते हो, और अगर इसको आप और अच्छे से अरेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ से डिनोमिनेटर हटाना चाहते हो, तो आप पूरी इस पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4। तो आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हो और ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, यानी कि हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोज का सम और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पार्ट में आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था। ऐसे हम दूसरा करते हैं, तो दूसरा जो हमारे पास है, जो दूसरा पार्ट है उसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको रूट टू, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ से आपके पास वो पॉलिनोमल क्या होगा कि अल्फा और बीटा के टर्म में जो हमारे पास पॉलिनोमल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। तो आप चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप इस पूरी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट टू एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा 1। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 रूट टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये भी आंसर सही है, और चाहे तो आप यहाँ से डिनोमिनेटर हटाने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया, यानी कि ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज का सम रूट टू था और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट कितना था 1/3। अब आइए इसका जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं। जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था उसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो हों तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो इसलिए आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो फोर्थ पार्ट है वो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4। तो अगर हमें ये पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो ऊपर मैंने आपको बताया है कि अल्फा और बीटा के टर्म में जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1/4, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो इसे अरेंज कर लीजिए आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस 1/4। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप इसको और भी अच्छे से अरेंज करना चाहें तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा x। तो ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज का सम क्या था माइनस 1/4, और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट क्या था 1/4। अब हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसको देखते हैं, 0 and √5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो इसे भी फाइंड करते हैं, तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 0 से x की मल्टीप्लीकेशन होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या खाली प्लस का √5। तो यानी कि वो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो का सम 0 और जिसके जीरो का प्रोडक्ट √5 था, वो है एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो स्टूडेंट्स मैंने सारे पार्ट कर लिए, यहाँ पर सिक्स पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के, सारे पार्ट आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आपके पूरे जो आपका पूरा कोर्स है उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, और जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं
जो भी आपके एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारे मैं आपको प्रॉपरली करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।